अम्मी के रेसिपीज़ के ख़ज़ाने में से और एक रेसिपी आज शेयर करी हूँ मैं। इडली के साथ बहुत एक इजी और सिंपल सी चटनी, फलियां की चटनी है। ये जो मूंगफली बोलती या पीनट्स, उसकी चटनी है। और एक चीज़ क्या बोले तो, ये पीनट्स को स्टोर करने के वास्ते हमेशा रोस्ट करके रखो तो ख़राब नहीं होते हो। एयरटाइट कंटेनर्स में अच्छा रोस्ट करके रखिएगा तो ख़राब नहीं होते। तो एक कप के वत्ते पीनट्स लेको, अच्छे से उसे भून लेना। भून को उसके जो ऊपर का स्किन रहता उसे निकाल को, जितना होता उतना निकालो, थोड़ा बहुत रहे तो भी चलता। और हाफ कप कोकोनट में, हाफ कप कोकोनट को एक कप पीनट्स, क्यों बोलते तो ये पीनट्स की चटनी, तो कोकोनट की क्वांटिटी कम रहती, पीनट्स की उसकी डबल की होती रहती। तो ये पूरा स्किन निकाल ले को उसे, अच्छा पछोड़ना उसे, पछोड़ना मतलब उसका जो ऊपर का जो छिलका रहता उसे निकालने का तरीके को पछोड़ना बोलती हूँ। उसे अब नारियल में, एक मिक्सर जार में हाफ कप नारियल, ग्रेटेड नारियल वो कोकोनट, उसके साथ ही एक कप पीनट्स डालो, एक थोड़ी ड्राई चिलीस उसे भून लेना। चिली डिपेंड करता कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हैं या दूसरी कौन सी ले रही हैं पेकर को, अगर स्पाइसी है स्पाइसी होना या कम स्पाइसी होना ये अपनी मर्जी है। देख को दाल को, एक थोड़ी इमली, इमली धो को भिगा को डाले तो भी चलता, अगर साफ है तो डायरेक्टली वैसा डाल सकती। नेक्स्ट क्या कर तो, एक ज़रा लहसुन के कलियाँ और कितना होना टेस्ट के मुताबिक है नमक, ज़रा पानी डाल को पीस लियो। एक बार ग्राइंड करके होने के बाद ज़रा धनिया पत्ता लास्ट में ऐड करको, फिर दोबारा एक बार पीस लियो, चटनी बन को तैयार रहते। इसे होना तो राया करे पत्ते का बघार भी दे सकती। इडली, डोसा, चावल की रोटी, गेहूं की रोटी या रागी की रोटी, हर एक को भी ये बहुत अच्छा मैच होता है, चटनी बहुत अच्छी दिखती है। एक बार ज़रूर बना को ट्राई करो, पसंद आया तो यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करो।